जहां पूरा भारतवर्ष में लोग दीपों का पर्व दीपावली की स्वागत तैयारी में जुटे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का एक ऐसा गांव है जहां एक सप्ताह पहले ही दिवाली मना ली गई। जी हां, सुनकर अजीब लगा होगा। बता दें, पूरा गांव इस पर्व के ही धूमधाम से मना रहा है। पूरा भारतवर्ष दीपावली की रोशनी से जगमगाता है, वहीं यह गांव रोशनी की एक छटा को तरस रहा होता है, कारण अनिष्ट होने का खौफ। दोस्तों, एक तरफ पूरे देश में 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन के साथ दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, वहीं धमतरी से 30 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव सैमरा भी है जहां 24 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मना लिया गया। उसके बाद शुक्रवार को गोवर्धन पूजा मनाई गई। इस गांव में कई ऐसे रहस्य के पर्दे छिपे हैं, जिसे जानकार लोगों का मानना है कि इसी अनिष्ट की भनक ने अपनी परिवार की सुरक्षा को लेकर दिल और दिमाग चौकस कर लेते हैं। सतयुग से चली आ रही इस परंपरा की कई किवंदितियां हैं। कहते हैं कि गांव में दो भिन्न जाति के दोस्त रहते थे, साथ में ही सारी जुगलबंदी होती थी। एक दिन दोनों दोस्त बिहड़ जंगल में शेर के शिकार हो गए। दोनों का शव गांव में ही दो अलग अलग सरहदों में दफनाया गया। कुछ ही दिनों बाद गांव के मालगुजार को स्वप्न आया कि आप मुझे देवता के रूप में मानो, मेरी शर्तों पर कार्य करो। मेरा शर्त यह है कि दीपावली का त्योहार अष्टमी या फिर नवमी को पूरा गांव मेरे नाम से मनाया जाए। अगर इस शर्त की सीमा को कोई लांघने का प्रयास करेगा, उसे अनिष्ट का शिकार होना पड़ेगा। तब से गांव में दीपावली को सिरदार देव का पूजा कर दीपावली को अष्टमी और नवमी को पूरा गांव एक साथ मनाते हैं। दोस्तों, इस खौफ से गांव में दीपों के पर्व दीपावली को पूरा गांव पहले ही हर्षोल्लास से मनाता है, लेकिन मौजूदा युग के नौजवान इसे आस्था के रूप में पूजता है और भविष्य में भी इस प्रथा को निरंतर निर्वहन करने की बात तो कहता है, लेकिन एक साथ मनाने की सोचने में, नौजवानों को कांपने में मजबूरी से दो चार होना पड़ता है। और उनका मानना है कि ये आस्था है, अंधविश्वास कतई नहीं है। दोस्तों, पूरा गांव एक साथ दीपावली की रात सिरदार देवता का पूजा अर्चना कर त्योहार की शुरुआत करते हैं। हम जो मनाते हैं वो दीपावली में कोई फर्क महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन गांव में अनहोनी का खौफ भी रहता है। बहरहाल, सैमरा गांव में दीपावली का ये त्योहार सतयुगी प्रथा तो जरूर मानते हैं और इसे आगे भी निरंतर जारी रखने की बात होती है, लेकिन ये अंधविश्वास को ये रोशनी कब मात देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये सबसे पहले अपने परिचय बताइए। अच्छा, मेरा नाम चंद्रा सिन्हा, ग्राम सैमरा से हूँ। अच्छा, सिद्धार्थ जोगी मंदिर की विशेषता बताएंगे आप। अच्छा, विशेषता है क्या है कि हमारे सियान जो लोग हैं वो बताते थे कि पहले हमारे गांव बहुत जंगल था, है ना। तो ये जो सिद्धार्थ देव जो है, ये ग्राम भखारा के हैं, है ना, उसको क्या सिद्धार्थ बोलते थे, वो वहां से घोड़ा में अपना सवार होकर यहाँ खड़ा खेलने आते थे, है ना। और उसके बाद क्या है कि यहाँ शेर का बहुत तायत में शेर था यहाँ जंगल में, तो उसने क्या है सिद्धार्थ देवता से वार किया, मतलब वार करने के बाद वो चल बसा, है ना। और घोड़ा जो था, घोड़ा को भी शेर लोग मतलब उसको खा दिए, है ना। उसके बाद उसने सपना दिया गांव वाले को कि गांव में पांच चार जाति के थे, देवांगन, सिन्हा, है ना, गोर, रावत, है ना, यादव। तो इन लोगों को सपना दिया कि भैया देखो, मैं यहाँ वास कर रहा हूँ, है ना, और आप लोगों को जो भी मन्नत है मैं उसको पूरा करूँगा और एक हफ्ते त्यौहार मानना, बस यही बताया। हमारे यहाँ सबसे पहले तो हरेली है, उसके बाद पोला, और उसके बाद दीपावली, उसके बाद होली। वैसे अन्य शहरों में दीपावली कब है और आज यहाँ क्या मनाया? आज हमारे यहाँ दीपावली मनाया जाता है। आज कौन सा त्यौहार मनाओगे? लक्ष्मी पूजा? आज अभी तो लक्ष्मी पूजा आज, है ना, कल अपना गोवर्धन पूजा होगा और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। दूर दराज से बहुत लोग आते हैं इधर, है ना, बहुत अच्छा धूमधाम से होता है हमारे यहाँ दीपावली।